जय माता दी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आज आपको अपने इस चैनल नंद विश्वकर्मा में अतिथि भाइयों से के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक व करेक्ट व सही है, तो आप मेरे चैनल नंद विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आप देख रहे हैं कि कुछ समय से ये जानकारी यूट्यूब पर आ रही है कि अतिथि अनुवाद प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं। तो अभी इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अतिथि अनुवाद प्रमाणपत्र की जो प्रोसेस है अभी उसमें 19 और 20 के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका कार्य सत्र ऐड नहीं हो रहा है। अब इसके हमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र देखना है कि बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन पर एमपी एजुकेशन पोर्टल डालना पड़ेगा। जैसे आप एमपी एजुकेशन पोर्टल डालेंगे, फिर इसके बाद दोबारा एमपी एजुकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तब लॉगिन पर सबसे ऊपर लॉगिन होगा, उस पर क्लिक करें। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पर ऊपर की ओर एक हरे कलर का आइकॉन प्राप्त होगा, इस आइकॉन पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी आएगा। गेस्ट फैकल्टी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल के राइट हैंड साइड पर ऊपर की ओर तीन लाइनें प्राप्त होंगी, इन तीन लाइनों पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तब वो भी को होम अतिथि शिक्षा के हेतु उपलब्ध आवेदन का पैनल इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। तो अब सेकंड ऑप्शन है अतिथि शिक्षा हेतु उपलब्ध आवेदकों की पैनल पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपको इस प्रकार की इमेज मिलेगी। इमेज मिलने पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि जो मनुष्य का आइकॉन बना है इसके बगल से तीन लाइनें हैं, तो इन तीन लाइनों पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। तब आप यहां पर इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर यदि आपके अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नहीं बन रहे होंगे तब भी इसकी आप जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल नंद विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी साथी।